और आप लोग समझ ही सकते हो कि एक दिन में 120-200 कस्टमर हैंडल करना कितना मुश्किल होता है, कि एक लड़की और एक पति को एक बीवी जब नहीं हैंडल कर सकती कितना परेशान हो जाती है, तो उसके लिए एक दूसरी लड़की के लिए 200 लोग कितने वो भारी पड़ते हैं। शादी करना, अरे गली तो चारों बंद हुई है। मैं आपके बारे में यही सोच रही हूँ कि आप अच्छी सी लड़की देखो और उससे शादी कर लो। शादी आपसे ही करनी है यार। अब यार मेरे को ना आपके जिस्म से प्यार नहीं है और ना ही मुझे आपके पास से कोई मतलब है। तो हेलो व्हाट्सएप गाइज, कैसे हो आप सब? मैं हूं तथा थोड़ी सी वीडियो के साथ। तो गाइज आज हमारे साथ हैं आध्या जी। गाइज आध्या जी एक्चुअली जीवी रोड रेडेट एरिया से बिलोंग करते हैं, और इनके साथ क्या बात हुई है, क्या स्टोरी है इनकी, ये बताना चाहते हैं कैमरे के सामने। तो जो भी बात हुई है, जो भी बात आप बताना चाहते हैं, जो भी हेल्प आपको चाहिए आप बताओ सब कुछ स्टार्टिंग से, ठीक है? क्या हुआ? मैं तमिलनाडु से बिलोंग करती हूँ और मैंने जो भी पढ़ाई वगैरह अपनी तमिलनाडु से सारी पूरी करी है, ठीक है? उसके बाद मैंने 20 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। पूरी करने के बाद फिर मैं वहाँ से दिल्ली आ गई। दिल्ली आने के बाद मैंने क्या नाम, मैंने बोला कि किसी को, मैंने ऑनलाइन में फॉर्म वगैरह भरे और मैंने पढ़ाई उसके लिए जॉब के लिए रिक्वायरमेंट करी कि मुझे जॉब मिल जाए। तो फिर जॉब के बाद एक मुझे एक वो मिले जो जॉब के बारे में उन्होंने मुझे बताया कि आपको पर डे 2000 मिलेंगे। अच्छा, ठीक है। तो फिर मैंने इसी चक्कर में मैंने कहा चलो ठीक है, जॉब अच्छी है तो मैं कर लेती हूँ। फिर उसके बाद वो मुझे होटल ले गए। अच्छा, होटल ले गए। फिर मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट हुआ कि ये चीज़ मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि मुझे हिंदी आती नहीं थी। अच्छा, आपको मतलब हिंदी नहीं आती थी? उन्होंने आपको बोला कि 2000, तो आपको लगा कि चलो करते हैं। जी। अच्छा, तो मुझे उन्होंने मतलब एक होटल ले गए। फिर होटल के बाद फिर मुझे एक जगह और ले गए। फिर एक जगह ले गए, फिर मुझे धीरे धीरे शक होने लगा कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, इसीलिए क्योंकि मेरा फ़ायदा उठाया, क्योंकि मुझे हिंदी भी नहीं आती थी। तो फिर मेरे को वो एक जगह पे ले गए, वहाँ पे उन्होंने मुझे 15 दिन तक एक रूम में बंद करके रखा। 15 दिन तक रखा, उसके बाद उन्होंने मुझे गलत काम, उल्टे सीधे हर काम करवाए। मैं रोती थी, चिल्लाती थी, चीखती थी, पर कोई मेरी मदद या हेल्प करने वाला वहाँ नहीं था। उसके बाद फिर मुझे धीरे धीरे ऐसा लगा कि हाँ अब यही मेरी लाइफ है, यही मुझे जीना। मतलब उस लड़के ने आपको डायरेक्ट उस जगह जीवी रोड पे जाके बेच दिया? हाँ, फिर उन्होंने मुझे जाके बेच दिया। अच्छा, मुझे बेच दिया उन्होंने। फिर मुझे बहुत मारते थे, पीटते थे, मेरे साथ बहुत अत्याचार करते थे, मेरे साथ बहुत बहुत गलत करते थे। ऐसा ऐसा टाइम होता था कि मुझे खाना भी नहीं मिलता था। फिर मैंने क्या, मैंने सबसे रिक्वेस्ट मांगी, हेल्प मांगी, हर चीज़ बोला मैंने, किसी ने मेरी कोई पुकार नहीं सुनी। मैं रोती, चीखती, चिल्लाती रही। फिर उसके बाद मुझे लगा अब तो क्या करूँ, मेरी लाइफ ही ये है। मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद फिर धीरे धीरे वहाँ का माहौल देखा, तौर तरीके देखे। फिर मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी अब यही है, मेरी लाइफ अब यही है। फिर वहाँ की जो एक ओनर थी, जो उसने मुझे कहा, धीरे धीरे उसने मुझे समझाया कि अब तुम्हारी यही लाइफ है, तुम्हें यही करना है, अब तुम्हारे को यही सब कुछ करना पड़ेगा। फिर मैंने बोला कि मैंने सोच लिया फिर, हाँ मुझे यही करना पड़ेगा, यहाँ से जाने का कहीं कुछ भी करने का कोई रास्ता नहीं है। और मैंने कई बार वहाँ से भागने की भी कोशिश की, लेकिन मैं नहीं जा पाई। इसलिए नहीं जा पाई क्योंकि वो लोग मुझे मारते थे, पीटते थे, और आप लोग समझ ही सकते हो कि एक दिन में 120-200 कस्टमर हैंडल करना कितना मुश्किल होता है। मतलब आपको डायरेक्ट उन्होंने इस चीज़ में उतार दिया, फिर एक साथ वो लोग 120-200 कस्टमर आपको आपके पास भेज देते हैं। जी, और आप समझ सकते हो ना कि एक लड़की और एक पति को एक बीवी जब नहीं हैंडल कर सकती कितना परेशान हो जाती है, तो उसके लिए एक दूसरी लड़की के लिए 200 लोग कितने वो भारी पड़ते हैं। इस चीज़ों से गुजर चुकी हूँ कि मैं कैसे आपको बताऊँ। मैं इतनी नरक में झुक गई हूँ, बिल्कुल नरक में जा चुकी हूँ मैं। और मुझे इतना दुख होता है अपनी स्टोरी बता के, इतना वो होता है कि मैं किसी को कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ। उसके बाद क्या हुआ, आप इस चीज़ से बाहर कैसे आए? अचानक एक दिन एक कस्टमर आया, फिर उसने मुझसे पूछा कि आप ये सब क्यों करती हो।
फिर मैंने उससे बोला कि मैं अपनी मर्जी से ये सब नहीं करती, मुझे मेरे साथ धोखा करा गया है, मुझे जानबूझ के ये सब काम करवाया। पूरी स्टोरी आपने उसको बताई? जी मैंने उसको अपनी पूरी स्टोरी बताई। अच्छा। फिर उसने सोचा कि मेरी हेल्प करने के लिए उसने वहाँ पे पैसा वैसा खिलाया और मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया। अच्छा। लेकिन अब मैं वहाँ पे वहाँ से निकल चुकी हूँ। अब मैं ये चाहती हूँ कि वो लड़का जो मेरी लाइफ में जो भी कस्टमर था, अब वो मुझे धीरे धीरे लाइक करने लगा है। अब ऐसा लगता है कि वो मुझसे प्यार भी करने लग जाए, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से उसकी भी लाइफ ख़राब हो, क्योंकि मेरी लाइफ तो ख़राब हो ही चुकी है। अब मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी और की लाइफ ख़राब हो, तो वो मुझे लाइक करने लगा धीरे धीरे। कोई नहीं, आप उसे बुलाओ, आप उससे बात करो, ठीक है? आपकी जो स्टोरी है वो सुन के तो कोई भी पागल हो जाएगा, कोई मतलब मैं भी शॉक्ड हो गया हूँ। तो गाइस वो लड़का आता है, पहले आप उससे बात करो, उससे समझाने की कोशिश करो, जो भी आप चाहते हो, ठीक है? और फिर देखते हैं क्या होता है। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। बढ़िया हो? हाँ। और सब सही? हाँ सब। आओ बैठो फिर और बताओ, सब सही चल रहा है बिजनेस वगैरह? हाँ, हाँ सब सही चल रहा है, आपकी दुआ से सब सही चल रहा है। वो तो ठीक है, आज अच्छे लग रहे हो वैसे काफ़ी। थैंक यू। कुछ सुधार लिया है? थैंक यू। और क्या कर रहे हो फिर आजकल? वही बिजनेस? हाँ, जो आपने मुझे जॉब बताई थी, मतलब आपने लगवाई थी ना जॉब, वही सही चल रहा है ना? हाँ बढ़िया चल रहा है, आपकी दुआ से सब अच्छा चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया यार, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू क्या ही बोलना, नहीं आपकी वजह से आज मैं इस जिंदगी में जी रही हूँ, नहीं तो मैं कब की मर जाती। सही में कोई ना कोई तो मदद करता ही ना आपकी। अब मैं आ गया, वो तो आप मेरे लिए भगवान के रूप में आए हो। सही में कह रही हूँ, किस्मत अगर आप नहीं होते तो शायद पता नहीं क्या हो जाता मेरी लाइफ। तो फिर फ्री हो तो चलते हैं फिर कहीं आज, या घूमने वूमने कहाँ चले? कहीं भी चलते हैं, देखते हैं। वैसे नहीं, मैंने आपको पार्क में बुलाया था, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी थी, आपका शुक्रिया अदा करना था। अरे यार थैंक यू, थैंक यू तो चलता रहता है इतना तो। आपने जो करा ना मेरे लिए, शायद मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ ना। बस आप हाँ, आपको देख के मैं भी खुश हूँ। बस मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ यार। बट आप सच में बहुत, अभी भी इतना दिल से थैंक यू निकल रहा है, मैं कितना आपका शुक्रिया अदा करूं। मैंने आपको जाना ना यार, मेरे को आप सच में दिल से इतने साफ लगे ना, मतलब मैंने आज तक कोई वैसी लड़की नहीं देखी। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। मानो यार इतना दिल से सोचती हो आप, बहुत दिल से सोचते हो यार। मतलब कोई फैमिली वैमिली से मिल कुछ हुआ? नहीं 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 नहीं, फैमिली से कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ। फैमिली वो तो जब ही सब मुझे भूल चुके थे, क्योंकि मैं फंसी ऐसी जगह पे गई थी। तो आगे क्या सोचा आपने फिर? बस ऐसी लाइफ, जॉब करनी है, अकेले ही बस ऐसी ज़िंदगी काटनी है अकेले। अब ऐसे आदत हो गई है रहने की, अब मन नहीं करता ये शादी वगैरह, ये सब बस भरोसा उड़ गया इन चीज़ों से मेरा। एक बार शादी करोगे तो फिर फैमिली आगे बढ़ाओ ना एक बार करके। फैमिली क्या बढ़ाऊँ आगे, अब मन नहीं करता इन सब चीज़ों का। लाइफ तो पहले इतनी बेकार हो गई और ऊपर से फिर अब शादी। ठीक होगी ना लाइफ तो? अब तो बहुत, अब तो अच्छी हो गई, लेकिन अब मन नहीं करता। अब बस ये करता है कि अपना जॉब करूँ, काम करूँ और थोड़ी सी ज़िंदगी है बस वो जी लूँ बस। तो ये बात भी ठीक है आपकी। बट आप और आप क्या कर रहे हो आजकल? कुछ नहीं यार, मेरा वही बोरिंग काम वगैरह। आप भी शादी वादी कर लो ना कहीं। वही तो सोच रहा था, फिर मैंने सोचा आप सोच रहे थे। पूछ कर ही आया हो ना मेरे को। अच्छा, आप अच्छा। बोलना था यार। क्या बोलना था? एक बार मैं ना यार आपसे ना शादी करना। अरे गली तो चारों बंद हुई है। आप भी ठीक ही हो? मेरे को आप सच में बहुत अच्छे लगते हो। ये नहीं हो सकता यार, नहीं हो सकता यार, नहीं हो सकता। मैंने बहुत सोच के ये लिया है। आप तो अच्छे हो यार, आप में कोई कमी नहीं है यार, आप तो शादी भी कर सकते हो। तो अभी आप करनी है, क्या दिक्कत है? आपकी एज भी नहीं है इतनी। अरे नहीं, आप एक बार तो करनी है मेरे में, ऐसा क्या है ये बताओ। मैं आपके लायक नहीं हूँ यार। एक तो दिल से सॉफ्ट हार्टेड हो आप, सोचते हो सामने वाले की। बहुत कुछ चीजें हैं जो मैंने आप में देखी यार। मैंने आज तक आपने मेरी हेल्प करी, कुछ करा इसमें ही मेरे को खुशी मिल गई बहुत सारी। यार पता है मैं ना आपके साथ रहना इतने दिन, तो मेरे को ना थोड़ी अट्रैक्शन भी होगी, आप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लगे। मैं दिन भर आपके नहीं, थैंक यू सो मच यार। बस आपने मेरी हेल्प करी है इतना काफ़ी है, अब आप शादी भी कर लो जल्दी से। आपको भी तो करनी है। नहीं नहीं यार, आप मैं नहीं कर सकती। नहीं आप अच्छे हो, सुंदर हो, स्मार्ट हो, आपकी शादी आराम से हो सकती है। आपसे हो जाएगी तो क्या दिक्कत है? आप भी सिंगल हो, मैं भी सिंगल हूँ। मैं नहीं कर सकती। मैं आपसे प्यार करने लग गया हूँ, आप भी करने लग जाओगे अगर आपको नहीं है तो। फिर मेरी वजह से आप अपनी लाइफ क्यों खराब कर रहे हो बताओ? मेरी लाइफ क्या खराब होगी बताओ? नहीं आप मेरे को शादी कहीं और कर लो प्लीज। तो आप शादी कहीं और कर लो ना, मैं
मैं आपको पता है ना मैं कहाँ से गुजर के आई हूँ, किस दौर से गुजरी हूँ। मेरे को अगर मेरे बारे में कोई ऐसा सोचेगा तो वो मेरे से शादी करने की कभी नहीं सोच सकता। मैं सोचता ही नहीं ना, वो आपका पास्ट है यार। मैं ऐसी ऐसी जगह से गुजर के आई हूँ, मैं जानती हूँ, मेरा दिल जानता है, ठीक है। लेकिन मैं इसीलिए आपको समझा रही हूँ कि आप यार मेरे को ना आपके जिस्म से प्यार नहीं है और ना ही मुझे आपके पास्ट से कोई मतलब है। हम प्रेजेंट में हैं और फ्यूचर देखना है हमें आगे, तो हम फ्यूचर की सोचेंगे ना यार। आप इतना की सोच रहे हो, मैं नहीं बात वो नहीं है, मैं किस जगह से आई हूँ ना, आप समझ सकते हो। मतलब यार लोग क्या समझेंगे, दुनिया क्या समझेगी, दुनिया क्या समझेगी बताओ, दुनिया क्या सोचेगी। दुनिया थोड़ी आके हमारे साथ रहेगी, हमको साथ ही तो रहना है, या दुनिया आके हमको कुछ करेगी, कोई किसी का साथ नहीं देता, पता है। आप रहने दो, आप मेरी वजह से क्यों अपनी लाइफ खराब कर रहे हो, रहने दो। यार सच में मेरे को आपसे बहुत प्यार हो गया है, बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है। मैंने जब से आपको देखा है ना, तब से मैं कुछ पागल ही होने लगा हूँ। मेरे को सच में, मैं भी ढूंढ ही रहा था लड़की, बट आप मिले ना तो मेरे को ऐसा लगा चलो कोई तो मिला मेरी लाइफ में, मेरे को समझने वाला। आप नहीं, आप रहने थोड़ा सा सोच लो यार, आपको भी शादी करनी है, मेरे को भी करनी है। अब क्या करूंगी शादी करके, बचा ही क्या है शादी करने के लिए? सब कुछ बचा है यार, कुछ नहीं बचा शादी के लिए। अगर शादी के लिए कुछ बचा होता तो मैं कुछ सोचती भी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ में। बिल्कुल मेरी जिंदगी नरक हो गई है, लाइफ खराब हो गई है। अब ना मन उठ गया शादी शब्द से मेरा। मैं आपको खुश रखूंगा हमेशा। मुझे पता है आप मेरी हेल्प कर सकते हो यार, तो आप मुझे खुश भी रख सकते हो। आपका अपना बन के रहना है ना, मेरे को हेल्प नहीं करनी है। आप कहीं एहसान वो करो, मेरे को आपके साथ रह के अपना वो करना है। मुझे पता है जो इंसान अपनी जान को जोखिम में डाल के हेल्प कर सकता है तो वो मेरे लिए क्या नहीं कर सकता, मेरे लिए बहुत कुछ कर सकता है। आपने मेरी हेल्प करी है, मैं उसका एहसान मरते दम तक नहीं भूल सकती हूं। नहीं उतारना ना आपको, आप बस थोड़ा मेरे बारे में सोचो। मैं आपके बारे में यही सोच रही हूँ कि आप अच्छी सी लड़की देखो और उससे शादी कर लो। शादी आपसे ही करनी है यार। अब मेरे को कसम से आप मेरी अपनी लाइफ क्यों खराब करने पे तुले हो, ये बताओ। मैं लाइफ क्या खराब कर रहा हूँ? मेरे को एक ना एक दिन तो शादी करनी है। वो तो करनी है ना, पर आप अच्छी सी लड़की जाए। आप कहाँ अच्छी नहीं दिखते, आप भी तो इतनी सुंदर हो यार। क्या सुंदर यार, मैं सुंदर कहाँ रही अब? सुंदर आप, मेरी लाइफ खराब हो गई है। वो सब करने से कौन सा लाइफ खराब हो जाती है? मेरे को कोई मतलब नहीं है यार आपके पास से, मेरे को आपसे मतलब है। भले से मैं उस चीजों से निकल चुकी हूँ, मुझे जब से बहुत अच्छी लाइफ जी रही हूँ अब मैं। अब तो मैं वैसी नहीं रही, वो भी सब आपकी वजह से। ये सब हुआ है, आप अकेले रहोगे, हम साथ रहेंगे तो हमारी फैमिली बढ़ेगी थोड़ी आगे। वो मैं समझती हूँ इस बात को, फैमिली को बढ़ाएंगे तो और खुश रहेंगे। लेकिन आप अच्छी सी लड़की देख लो और शादी कर लो। देखो देर मत करो, ऐसी चीजें छोड़नी नहीं चाहिए, ठीक है? छोड़ी तो कर रहा हूं मैं, मौका ही तो नहीं छोड़ रहा। यार आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हो, आप बहुत अच्छे लड़के हो, ठीक है? शायद आपके जैसे कम ही लड़के होंगे, लेकिन इसीलिए आपको कम लड़कियाँ होंगी जो इतना अच्छी होने के बाद भी इन गलत चीजों में पड़ जाती है और अपनी जिंदगी खराब कर लेती है। हाँ, वो तो मेरे साथ चलो धोखा हुआ था, जैसे कोई भी हुआ। बात नहीं, आपको मौका मिल रहा है मेरे साथ गलती सुधारने का, तो कोई बात नहीं, मेरे को कोई इशू नहीं आपसे। आपके पास से मतलब है ना मेरे को किसी चीज़ से। यार आप इतने अच्छे हो, आप शादी कहीं और कर लो। शादी के बाद भी मैं कोई इशू नहीं उठाऊंगा उस चीज का, कसम से। तुम मेरी बात समझ के नहीं रहे हो, तुम मानते क्यों नहीं हो यार? को कुछ समझ ही तो नहीं आ रहा ना। तुम मान जाओ ना, मैं अभी तुम दुनिया को क्या बोलोगे मेरे बारे में, ये बताओ। मेरे को दुनिया से मतलब ही नहीं है, मैं दुनिया से मतलब ही नहीं रखता यार। तुम रहने दो यार, तुम मान जाओ, तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? समझ जाओ ना, इतनी जिद क्यों कर रहे हो? समझ जाओ यार, प्लीज मत करो यार।